नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर श्रावस्ती से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से इकोना के जगतजीत इंटर कॉलेज में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा विधायक रामफेरन पांडे मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोगों ने प्रधानमंत्री के विचारों को सुना और साथ ही साथ युवाओं ने तो नमो ऐप तक डाउनलोड किया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाली है और इस मार्च में डीएमएसपी के अलावा भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। इस दौरान ट्रेन से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को देखा गया, साथ ही उरई स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने की भी बात कही गई है। उद्देश्य ये है कि जनता के अंदर ये भावना रहे कि आप सुरक्षित माहौल में है। इसके अतिरिक्त पूरा रूट देखा गया, जो यहाँ पर कुछ शोभा यात्राएं, तिरंगा यात्राएं निकली हैं, और रेलवे स्टेशन पर आकर भी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई कि आगे आने वाले समय में अयोध्या जाने वाले काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रेन यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से ट्रेन जाएंगी और यहाँ से भी काफ़ी श्रद्धालु अयोध्या जाएंगे, तो उसको भी लेकर सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। लगातार एएस चेक किया जा रहा है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने ईवीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में जगह जगह मतदाता जागरूक स्टॉल लगाए गए, इसके साथ ही कई तरीके की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव के साथ डीएम समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जहां से हमारे लोगों को संविधान के माध्यम से हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार दिया गया। वोट कितना महत्वपूर्ण है आपको मालूम है, क्योंकि वोट डाल करके आप सरकार बनाते हैं, वोट डाल करके आप संसद बनाते हैं, वोट डाल करके आप विधानसभा बनाते हैं, वोट डाल करके आप अपने नगर निकाय या जो पंचायती संस्थाएँ हैं वहाँ पे आप वो बनाते हैं, और उन्हें वो अधिकार देते हैं कि वो आपके लिए कानून बनाएं, आपके लिए नीति बनाएं और आपका नीति बना कर उसका अनुपालन भी कराएं, यानी लोगों की ज़िंदगी में सीधा सीधा असर पड़ता है। तो लोगों को इस 5 साल के अवधि में एक बार मौका मिलता है कि आप अपने मन मुताबिक जैसा आप चाहते हैं। यूपी के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी के ज्यादातर इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में कई जगहों पर गंभीर शीत दिवस को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान शीतलहर और पूर्वी यूपी के कुछ जगहों पर पाला पड़ने की स्थिति है। अगली खबर बलिया से है, जहां राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने यूपी की तरक्की के लिए योगी के बजाय पीएम नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने यूपी की तस्वीर बदली है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी। राहुल गांधी को असम के मंदिर में जाने से रोके जाने पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि सरकार का आग्रह मान लेना चाहिए, असम में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी को कोई भी इजाजत नहीं है। वो आप कांग्रेस के साथियों से पूछिए कि क्या देश में आ रहा है सर, उससे तो कांग्रेस राहुल गांधी के को रोका गया है आसाम में, उनको मंदिरों में जाने से रोका गया है, सर ये क्या निर्णय सही है क्या? किसी को कहीं नहीं रोका जा रहा है, इस देश में सबको आजादी है, लेकिन कानून व्यवस्था को आप बिगाड़ नहीं सकते। किसी को कहीं नहीं रोका जा रहा है, इस देश में हर नागरिक स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए, किसी को नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था आप कहीं की नहीं बिगाड़ सकते। अगर सरकार कुछ आपसे आग्रह कर रही है तो आप उसको सुनिए। अगर कहीं भी कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से किसी को चोट लग जाए, कहीं कुछ उपद्रव हो जाए, तो कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा उसके प्रदेश में ऐसा हो, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों को उनका आग्रह सुनना चाहिए, सबको सबको, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, और कानून व्यवस्था का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मंदिरों में जाने से भी रोका गया उनको, अब ये मुझे नहीं पता, किसी को कहीं नहीं रोका जा रहा है, सब लोग अभी राम मंदिर में आप कहिए कि रोका जा रहा है, लेकिन जब एक भीड़ आ जाती है तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना, तो व्यवस्था बनाई जा रही है, किसी को कहीं नहीं रोका।
अगली खबर बलिया से है, जहां लिफ्ट में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल बहू के डिलीवरी के लिए डॉक्टर शशिकला के नर्सिंग होम में उनकी सास पहुंची थी। इस दौरान महिला की खबर नहीं मिलने की वजह से परिवार के लोग परेशान हो गए, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दी थी। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। हम लोग यहाँ पे आए थे, हॉस्पिटल के प्रशासन जो है पाए 23 तारीख को शाम को कि जो है चेक करवाइए। इन लोगों ने चेक करवाने से बिल्कुल इनकार कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहे कि हमारे यहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है जो आपको चेक करवाए कैमरा। उसके बाद से ये हुआ, हम लोग परसों उसी रात को जो है पुलिस चौकी पे जो है ओगडेनगंज पुलिस चौकी पे जो है जाके बयान दिए, लिखित बयान दिए थे, ठीक। उसके बाद से जो है कल कोतवाली में भी गए थे, ठीक है। वहाँ पे लेटर जो लिख के दिया जा रहा था FIR, तो उन्होंने कहा कि ये FIR मान्य नहीं है, केवल जो है गुमशुदगी का FIR करिए। गुमशुदगी का FIR हमने किया। फिर आज हमें फोन गया कि जो है लिफ्ट में जो है खराब लिफ्ट पड़ी हुई है और जो है इसमें जो है कोई लाश पड़ी हुई है। खबर बागपत से है, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर भारी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि उनको 40 साल पहले प्रशासन की ओर से पट्टे पर जमीन दी गई थी, लेकिन इस जमीन पर लेखपाल और कानूनगो के साठगांठ करके भूमाफियाओं ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं अब ग्रामीणों ने मामले पर DM को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। अब अगली खबर कानपुर से है, जहां एक युवती घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई है। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कर्मचारियों ने डिलीवरी कराने पहुंची युवती को प्राइवेट अस्पताल भेज दिया और अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद इलाज नहीं मिलने की वजह से युवती की मौत हो गई। लखनऊ से खबर है, जहां चिन्हट इलाके में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन ने यहां तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा जमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि यहां कुछ लोगों ने अस्थायी दुकानें, मकान और मंदिर बना लिया था, जिसको कब्जा मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन की टीम के साथ प्रवर्तन दस्ता पहुंचा। इस दौरान भारी पुलिस बल भी टीम के साथ मौजूद रहा। खबर आगरा से है, जहां पुलिस आयुक्त के आदेश पर नई पहल की शुरुआत की गई है। अब पीड़ित के घर FIR की कॉपी पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर CPJ रविंद्र गौड़ ने FIR दिया। इस मामले में पुलिस खुद घर पर FIR पहुंचाएगी। वहीं जिले के सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए गए हैं और DCP सिटी सूरज राय ने इस बात की पूरी जानकारी दी। अभियोग पंजीकृत होते हैं, यदि वादी को उसकी FIR की कॉपी तत्काल उपलब्ध नहीं हो पा रही है या वादी को किसी कारण से जाना पड़ रहा है, थोड़ा लगभग 15-20 मिनट सिंक होने और FIR की कॉपी जनरेट होने में टाइम लगता है कई बार, तो उस स्थिति में जो हमारे थाने की ईगल मोबाइल है वह स्वयं वादी के पते पर जाके और वो प्रति उपलब्ध कराएगी। ईगल मोबाइल ऐसे भी क्षेत्र में भ्रमणशील रहती है अपराधियों के सत्यापन और समन वारंट तामीला के लिए, तो उनको ये एक और अतिरिक्त काम दिया गया है, ये वादी के पास जाके FIR की कॉपी वादी को पहुँचाएंगे। अलीगढ़ में लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले अधिकारियों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए, जिससे चुनाव में जनता ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा 18 साल की उम्र के युवाओं से मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उनको वोट बढ़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्कूली बच्चों ने नाटक मंचन करते हुए जागरूकता का बड़ा संदेश दिया। आज यहाँ पे 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, जो सबसे पहले तो रैली आपके तहसील से निकली थी जो शिवदान सिंह तक पहुँची, और उसके बाद से हमारे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कजरौट की बालिकाओं ने नुक्कड़ नाटक कर सभी को ये मैसेज किया है कि जिस दिन मतदान हो कृपया घर पर ना रहें, अपना कीमती वोट देकर सही उम्मीदवार को चुना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीना कटारा है। बच्चे शामिल थे। इसके बाद यहाँ पर शिवदान सिंह में हमने जो है एक भारत के नक्शे की आकृति बनाई थी और जो इस वर्ष का लोगो है आई वोट फॉर श्योर वो हमने यहाँ पे बनाया था। बच्चों ने बहुत उसमें एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जिन भी हमारे BLOs और सुपरवाइजर्स ने पूरे साल बहुत अच्छा काम किया है उनको प्रशस्ति पत्र और मेडल वितरण किए गए।
मैम कुछ नाटक वगैरह भी हुए हैं? हाँ, हमारे राजकीय इंटर कॉलेज कजरौट की लड़कियाँ जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक परफॉर्मेंस दी है जो कि वोटर्स डे पे वोटर को जागरूक करने से संबंधित। आज मतदाता जागरूकता के ऊपर हुआ है, जैसे कि हमें वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वोट हमारे लिए कितना मायने रखता है या नहीं रखता है, इस वजह से आज हमने रैली निकाली है। जो कि हमारी जो इगलास के SDM साहब हैं वो भी आए हैं, और LV के स्कूल के भी, विष्णु दत्त के स्कूल के भी, हमारे कॉलेज शिवदान सिंह इंटर कॉलेज के भी बच्चे हैं। तो और लोगों से क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि 18 साल उनकी उम्र हो जाती है तो अपना वोट कार्ड बनवा लें, और वोट करना इतना मतलब जरूरी है कि वोट के बिना कुछ है ही नहीं है। महंगे शौक को पूरा करने के लिए लुटेरे बने दो बाइक सवार लुटेरों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्रीति श्रीवास्तव नाम की महिला से 18 जनवरी को लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा करते हुए DCP उत्तरी ने बताया कि उत्तरी जोन के सर्विलांस और गाजीपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में ये बड़ी सफलता मिली है। जेल में मुलाकात के बाद गिरोह बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम दिया। ऐसे ही गिरोह के दो लोगों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैसे ये लोग जेल में मिले, कैसे वारदातों को अंजाम देना शुरू किया, आखिर लूट की वारदातों के पीछे इनका मोटिव क्या था, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए DCP उत्तरी कासिम आब्दी जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से दो गिरोह हैं, इस गिरोह के दो लोग पकड़े गए, इस गिरोह की मुलाकात जेल में हुई, जेल में इन लोगों ने क्या कुछ अपनी रणनीति बनाई, उसके बाद बाहर निकलने के बाद लूट की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया, कैसे इन तक पुलिस पहुंची, कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे खुलासा हुआ? देखिए, 18 तारीख की ये घटना है, थाना क्षेत्र गाजीपुर में ये घटना हुई थी, और चेरी स्नैचिंग घटना हुई थी, और एक वृद्ध महिला थी, अपने घर की तरफ जा रही थी, और दो स्नैचर आते हैं बाइक से और झपट्टा मार के स्नैचिंग घटना को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और टीमें लगी हुई थी इसके अनावरण के लिए, और आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, शिवम सिंह और जितेंद्र पाल। ये दोनों ही छात्र के खुद के अपराधी हैं, पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है, ये जेल जा चुके हैं, लूट के मुकदमों में ही ये जेल गए हैं, स्नैचिंग के मुकदमों में जेल गए हैं, और ये छात्र किस्म के अपराधी हैं। जब डिटेल में जब इनसे इंट्रोडक्शन किया गया, पूछताछ की गई, तो ये निकल गया है कि ये केवल और केवल अपना शौक पूरा करने के लिए सब घटनाओं को अंजाम देते थे। जो चेन थी वो भी पुलिस ने बरामद की है, और जो बाइक घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बाइक भी पुलिस ने बरामद की है, और इसमें लगभग 200 कैमरे हम लोगों को इसमें खंगालने पड़े, क्योंकि इन लोगों ने बहुत लंबा रूट लिया था, बहुत घूम करके फिर उसके बाद इन लोगों तक पुलिस जीरो इन कर पाई है। इसमें जो हमारी सर्विलांस टीम थी उसने भी अहम भूमिका निभाई है, जो थाने की जो क्राइम टीम थी उसने भी अहम भूमिका निभाई है, और सभी के अथक प्रयास से घटना का सफल रहा। सर, जिस तरीके से महंगे शौक की बात की जाए, दोनों ही लोग नौकरी करते हैं, एक प्राइवेट नौकरी करते हैं तो दूसरा मिठाई की दुकान पर काम करते हैं, तो जिस तरीके दोनों लोगों एक तरह से कहा जाए इनके पास पैसा पहुंचता था, लेकिन उसके बाद लूट की घटनाओं पे गए, उसके बाद जो लूटा भी तो उसको बेचने के बजाय इन्होंने एक प्लाट में उसको गाड़ करके छुपा दिया, तो आखिर वो प्लाट किसका रहा, क्या ये लोग उस प्लाट में पहले से भी आते जाते रहे हैं, ऐसी कुछ जानकारियां मिली? देखिए, ये तो अभी जब डिटेल में जब इंट्रोगेशन होगा तो डिटेल इंट्रोगेशन का विषय है, लेकिन जो इनिशियल जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि इनका ये कहना था कि जो इनकी इनकम थी, जो मान लीजिए प्राइवेट जॉब थे या जो हलवाई की जो इसकी शॉप थी, इससे जो इसकी इनकम थी उससे इसके शौक पूरे नहीं हो रहे थे, और इसकी वाइफ को ज्वेलरीज का शौक था, वो भी प्रेशराइज करती थी, और कुल मिलाकर के मोटिव केवल और केवल उद्देश्य केवल और केवल यह था कि किसी तरीके से अवैध तरीके से धन अर्जित करें और उससे अपने महंगे शौक की बात करें। सर, क्या अब जिस तरीके से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो जेल का कनेक्शन सामने आया है, तो क्या अब इन दोनों को गिरफ्तारी के बाद पुलिस अपनी एक्टिविटी कुछ ऐसा भी निकालेगी जिससे पुलिस जो जेलों में बंद लुटेरे हैं उनका भी पूरा खाका तैयार हो, उससे जो गिरोह के लोग हैं कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे उसको भी पूरी तरीके से सर्च करेगी? देखिए, जो भी व्यक्ति जेल से रिहा होता है उसका तो हम लोग कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग करते ही हैं, ठीक है, और जेल के अंदर अब कौन कौन किसको कहाँ पर, क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है जब सभी लोगों को
ओपन में छोड़ा जाता है, वो लोग किस तरीके से क्या बातें करते हैं। बट हाँ, जेल से निकलने के बाद इनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है, और जैसे इस घटना में इन लोगों ने अंजाम दिया है, तो इसमें हम लोग अभी ये भी इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे क्या इनके किसी और अपराधियों के साथ संबंध तो नहीं है। तो ये तमाम पहलू हैं, ये सब जांच के विषय हैं, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी इन पहलुओं पर भी विवेचना की जाएगी। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से लखनऊ में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसमें अगर बात की जाए एक आरोपी शिवम जिसके पास अवैध असलहा भी रहता है, इसके द्वारा घटनाओं में फायरिंग करने से भी नहीं चूका जाता, इन सभी पहलुओं पर पुलिस अपनी तफ्तीश करने का दावा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ में बढ़ती ठंड का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिल रहा है। ठंड और कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट हो रही हैं, यात्रियों को 8-8 घंटे तक स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं स्टेशन पर यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए कोई भी इंतजाम रेलवे की ओर से नहीं किए गए हैं। कोहरे के चलते जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम मौजूद हैं चारबाग में, और हमारे साथ जो यात्री हैं वो भी मौजूद हैं, जो काफ़ी समय से यहाँ पर कोहरे के चलते जो ट्रेनें लेट हुई हैं, ठंड के चलते जो ट्रेनें लेट हुई हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कैसे, कितनी देर से यहाँ मौजूद हैं, कब से वेट कर रहे हैं। भैया क्या नाम है? नाम प्रहलाद है। अच्छा, कितनी देर से यहाँ वेट कर रहे हैं? 8 बजे तक है? सुबह 8 बजे तक। सुबह 8 बजे से, और कितनी देर हो गई ट्रेन लेट हुई? 8 घंटा चल रहा थे। कहाँ जाना था आप? मालदा टाउन। 8 घंटा लेट है। हाँ जी, आप यहीं बैठे हो? हाँ जी। ठंड में कोई इंतजाम है आपको यहाँ से मिला रेलवे की तरफ से? कोई कुछ भी नहीं मिला, कोई इंतजाम नहीं? नहीं नहीं, किसी देर से वेट कर रही है मैडम? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे से कितनी देर हो गई इंतजार करते करते? 8 घंटा हो गए। सुबह 8 बजे तक लेते हैं, बजे गए। ये थे हमारे साथ जो यात्री हैं, जो साफ तौर पे आपने सुना कि 8 घंटे लेट जो ट्रेन है वो चल रही है, और ये सुबह से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी ट्रेन आने का कोई अंदेशा नहीं है, ये इंतज़ार कर रहे हैं। 8-8, 9-9 घंटे ट्रेनें लेट चल रही, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कब से आप बैठी हैं यहाँ? 1 बजे से। एक बजे से। तो ट्रेन लेट है आपकी? हाँ, अभी 6:40 पे है। अच्छा, तो और भी कुछ यात्री हैं उनसे भी बात करेंगे कि कब से यहाँ पर ये जो लोग हैं वो बैठे हैं, ट्रेनें इनकी कब से लेट चल रही हैं। भैया कब से ट्रेन आपकी लेट है? अयोध्या 2 आवर्स लेट, वंदे भारत 2 आवर्स लेट है भैया, कोहरे के चलते अयोध्या। तो ये अयोध्या जा रहे थे सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, देन अयोध्या। ओके, तो ये दिल्ली टू लखनऊ आए और यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं, ये चारबाग में इंतज़ार कर रहे हैं वंदे मातरम ट्रेन का, जो 2 घंटे लेट चल रही है। यात्रियों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं कि यात्री यहाँ 8-8, 9-9 घंटे कोहरे के चलते जो ट्रेनें लेट हो रही हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, दिखाएं कि जो ट्रेन चार्ट है चारबाग के अंदर जूम करके, कि यहाँ पर देख लीजिए ये ट्रेनों का ट्रेन चार्ट है, और ये लगातार जो ट्रेनें हैं यहाँ पे जो समय था समय से लेट चल रही हैं। ये यहाँ पर जो यात्री हैं वो ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं, ठंड का समय है और इनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ये देखना होगा कि क्या इनकी सुविधा जो है वो मिलती है, और इनको कब तक इंतज़ार करना पड़ता है, ये एक बड़ा सवाल है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए ओएस। अगली खबर मथुरा से है, जहां एक शख्स की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथी घायल हो गया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा लड़का और एक लड़का मथुरा जा रहे थे, और बीच में कैसे डिवाइडर से गाड़ी टकराई है, क्या हुआ जाने की घटना होगी? अब करीब 1.5 घंटा होने, 2 घंटा पहले, जो भी समय 4 बजे के आसपास। क्या नाम था?
श्री कृष्णा सिंह का जो है लड़का का नाम, उम्र कितनी है? 40 साल उम्र है सर। और दूसरा कौन था उनके साथ में? भाई दूसरा लड़का हो ये कार्यन 19-20 साल का लड़का हो, आर्यन नाम। किसी काम से जा रहे थे? हाँ काम से। आपको कैसे सूचना लगी? जो दूसरे लड़का ने फोन करो, जब भाई जो मालूम पड़ी कि एक्सीडेंट है और तुम भाई तुरंत गए, जब तक जो कुछ भी है उसके बाद यहाँ पे लेके आया। हाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।